पुरुष का हो, इस शरीर का तो पति कोई भी हो सकता है, लेकिन इस मन का पति तो परमात्मा ही है। हाँ, सुहागन माताएं बिंदिया लगाती हैं माथे पर बिंदी बिंदिया लगाती हैं, मांग में सिंदूर लगाती हैं। ये किसका प्रतीक है? सुहागन का प्रतीक है ना। अपने पति के नाम की बिंदिया, अपने पति के नाम का सिंदूर धारण करती है माता है। पुरुष को भी लगाना चाहिए। माताएं बिंदिया दोनों आंखों के बीच में भाव पर यहाँ माथे पर लगाती हैं क्योंकि परमात्मा यही बसता है, सूरत यही बसता है। आप कोई भी चीज देखना चाहो, परमात्मा का चिंतन करना चाहो, इन आंखों से नहीं होगा, लेकिन आंख बंद करके आप इन आंखों से देखोगे तो परमात्मा यही आपको दिखेगा। जब भी आप किसी को देखना चाहो उस समय वो दिखेगा। अब तो लोगों को चंदन लगाने में शर्म आती है। चंदन बहुत ऐसे लोग हैं, चंदन लगाकर चलने की उन्हें शर्म आती है। माताएं भी बिंदिया और सिंदूर आज नहीं लगाना चाहती हैं, शर्म आती है। एक महात्मा जी कह रहे थे कि अब तो संत ब्राह्मणों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि अगर ब्राह्मण आशीर्वाद देना चाहे तो क्या कहकर आशीर्वाद, नहीं पता ही नहीं चलता कि भाई साहब है कि बहन जी है। सही बात है। आजकल ये पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है संत ब्राह्मणों को कि इन्हें क्या क्या कहकर भी आशीर्वाद देगी कि आप सौभाग्यवती हो, पता ही नहीं चलता कि ये विवाहित हैं या अविवाहित हैं, क्योंकि सुहाग के कोई निशान नहीं है, माथे पर बिंदिया नहीं है, हाथों में चूड़ी नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, पांव में पायल बिछुआ नहीं है। क्या निशानी है? आप क्या मानते हैं अपने आप को? आप अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं? समाज को क्या संदेश देंगी आप ऐसे अमंगल वेश बना करके आप चलती हैं? क्या संसार को आप बताना चाहते हैं? अपने आप को कितना प्रतिष्ठित, समाज में कितना ऊंचा अपने आप को समझना चाहते हैं? कभी सोचा इस पर? सहज श्रृंगार 16 श्रृंगार का वर्णन आया है, श्रृंगार रस की, श्रृंगार कोई चार वेदों में बांटा गया है, तो महाराज वही 64 योगनी है। श्रृंगार 16 होते हैं, वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। 16 को 4 से गुणा कर कितना होगा? और 64 योगनी का पूजन होता है। ये शक्ति है, मात्र शक्ति भगवती परम कुमार ब्रह्मा के ये पूरक है। भगवती ने इतने रूप धारण किए हैं, श्रृंगार की एक एक महिमा है। आंखों में काजल लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? सिंदूर लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? माथे पर बिंदिया लगाती हैं तो क्यों लगाती हैं? पायल पहनती हैं तो क्यों पहनती हैं? सर को ढक करके चलते हैं तो ऐसा क्यों? इसका एक एक कारण है। आज इस देव जी भ्रमण करते हैं राजा।
भगवान की दिव्य लीला है। भगवान के विवाह हुए 16,108, ये 108 16,000 ये भी कोई साधारण नहीं है। 16,000 जो पत्नियां हैं ना महारानी, ये महाराज उपासना कांड के मंत्र हैं। उपासना उप कहते हैं, पास में स्थान बन गया उसी को उपासना कहते हैं। उपासना के माध्यम से अपने अपना स्थान भगवान के चरणों में, भगवान के पास में अपना स्थान बना लिया है, बैठने की जगह बना ली है। जैसे हम लोग कहते हैं उपवास, उपवास का मतलब व्रत होता है, अवधि भाषा उपवास व्रत है। इन मंत्रों के आश्रय को लेकर के हम परमात्मा के समीप जाते हैं, ये उपासना का मंत्र है। मंत्र अगर हमें आपको पहुंचा देते हैं भगवान के पास में, उस मंत्र को जब हम भगवान के समीप पहुंचाते हैं, तो क्या उन मंत्रों में उस रखनी के भगवान के पास में पहुंचा, वो अंग संग हर समय भगवान के साथ में रहते हैं, ये उपासना का मंत्र है। जो 16,000 पत्रानी है, 100 जो पत्रानी है, 100 जो कन्याएं हैं ना, जो 100 कन्याएं, ये उपनिषद है। उपनिषद में परमात्मा का दर्शन होता है। उपनिषद भगवान की लीला का प्रत्येक गाया है भाव से।